हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम श्याम है और आज हम लोग सीखेंगे बॉश के स्कैनर से रेनॉल्ट डस्टर कैसे स्कैन करते हैं। तो मैंने इंटरफेस खोला हुआ है सॉफ्टवेयर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हमें कंट्री सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से कार सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से डीजल है या पेट्रोल बुक करना होता है और भी सारी डिटेल्स इधर भी भरनी होती हैं। और उसके बाद हमें जाना होता है डायग्नोसिस में। तो इसमें SID 306 लगाया है, यहाँ से जाएंगे सिस्टम सर्च, यहाँ से ओके। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे स्कैनर अवेलेबल हैं, लेकिन जो काम ये स्कैनर करता है वो बाकी के स्कैनर नहीं कर पाते। बाकी के स्कैनर केवल आपको फॉल्ट कोड बताएंगे, लेकिन इस स्कैनर की खास बात ये है कि ये फॉल्ट कोड तो बताएगा ही, साथ में ये भी बताएगा कि इसे टैकल कैसे करें। जैसे बायरिंग डायग्राम, किस पिन पर करेंट आना चाहिए, किस पर ग्राउंड आना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताएगा। तो देखते हैं कैसे बताता है। तो यहाँ से करेंगे हम एरर मेमोरी, और जैसे मान लेते हैं ये फॉल्ट आ रहा है IET सेंसर, तो इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद करेंगे यहाँ पर, यहाँ से ओके। अब ये बता रहा है IET सेंसर मिल फंक्शन, ठीक है सर। तो अब हमें देखना है कि इसके किस पिन पे क्या आना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ ये इस स्कैनर ने हमें सॉकेट बता दिया है और पिन का नंबर भी बता रहा है, और इधर बता रहा है ये मेजरमेंट ऑन वायरिंग हार्नेस एंड टर्म 1 पॉजिटिव 2 2 नेगेटिव। इसका मतलब जो एक नंबर का वायर है उस पर पॉजिटिव है, जो दो नंबर का है ये वाला, इस पर ग्राउंड है। और ये हमें ये भी बताएगा कि इसमें वोल्टेज कितना आना चाहिए। तो यहाँ ये बता रहा है 3 से 5 वोल्ट आने चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी यूज़फुल स्कैनर है ये, जो आम स्कैनर नहीं बताते, वही सारी बातें बताता है। इसके अंदर और भी बहुत सारा डेटा है। यहाँ से आप इसका रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, -20 पे कितना होना चाहिए, -10 पे कितना होना चाहिए, 0 पे कितना होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।